दोस्तों, अगर आपका जीमेल अकाउंट हो सकता है किसी अदर डिवाइस में भी लॉगिन है, चाहे आपने किया हो, चाहे आपके किसी फ्रेंड ने कर रखा हो, चाहे किसी हैकर ने कर रखा हो, कुल मिलाकर आपका जीमेल अकाउंट किसी भी डिवाइस में लॉगिन है आपके मोबाइल के अलावा, तो आप उसको घर बैठे ही लॉग आउट कर सकते हैं। और अगर किसी को आपका पासवर्ड भी पता है और वो बार बार लॉगिन कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। कोई भी आपके जीमेल अकाउंट को कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सिखाता हूँ कैसे लॉग आउट करना है जीमेल अकाउंट को किसी भी डिवाइस से। तो जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको आपकी फोटो दिखेगी, आपकी प्रोफाइल वाला आइकन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, तो आपको हो सकता है मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा हो, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट में एंटर हो जाना है, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। होम है, पर्सनल इन्फो है, डेटा एंड प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है धीरे धीरे। यहाँ पर आपको धीरे धीरे नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर योर डिवाइसेस, यानी कि मेरे डिवाइस कौन कौन से हैं जहाँ पर मैंने जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया है। लेकिन वैसे हो सकता है आपका डिवाइस नहीं हो, किसी अदर पर्सन ने भी लॉगिन कर रखा हो, तो उसको लॉग आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैनेज ऑल डिवाइसेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सभी डिवाइसों की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर आपका ये जीमेल अकाउंट किसी भी डिवाइस में लॉगिन है, सबकी लिस्ट आ गई सामने। तो मेरा यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, एक तो जो है यहाँ पर ओप्पो CPH वाला मोबाइल है, जो 25 मिनट पहले लॉगिन भी था, मतलब एक्टिव था, तो ये वाला एक तो मेरा, और नीचे शो हो रहा है एक मेरा कंप्यूटर में लॉगिन है। तो भाई मेरे तो मुझे पता है दो डिवाइसों में लॉगिन है जो मेरा ही है, लेकिन कोई डिवाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो आपका नहीं है, तो आपको जैसे लगता है भाई ये वाला मेरा नहीं है कंप्यूटर वाला, बाई चांस आपको पता चलता है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है साइन आउट का। साइन आउट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपका जीमेल अकाउंट उस कंप्यूटर में से लॉग आउट हो जाएगा। चाहे मोबाइल का ऑप्शन आ रहा हो, मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में से लॉग आउट हो जाएगा। कुल मिलाकर आप जिस भी डिवाइस पर लॉग आउट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन आएगा। साइन आउट पर क्लिक करते ही एक सेकंड में आपका जीमेल अकाउंट उसके मोबाइल से कंप्यूटर से लॉग आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको अगर पासवर्ड भी पता है आपका, तो वो फिर से लॉग इन कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बैक आना है, यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेना है। ऊपर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, तो सबसे पहले भाई पासवर्ड ही चेंज कर लेना, क्योंकि पासवर्ड उसको आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर उसको नया पासवर्ड भी पता चल गया मान लो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और है टू स्टेप वेरीफिकेशन की, जो मैंने बहुत सालों पहले 25 अक्टूबर 2021 में ही इसको इनेबल कर लिया था। तो आपको इस पर क्लिक करके टू स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन कर लेना है सबसे पहले। अब उसको पासवर्ड भी पता चल गया, तो भाई ये सेटिंग अगर आपकी ऑन है तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, और लॉगिन करेगा तब आपके पास हमेशा एक कोड आएगा, उस कोड को अगर आप किसी को भी नहीं बताएंगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। आप भी किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये बहुत कमाल की सेटिंग है टू स्टेप वेरीफिकेशन की, आपको इसको इनेबल ज़रूर कर लेना है। और लॉग आउट कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, कोई वीडियो अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।